दोस्तों केलांग में उतरे और एक व्लॉग किया, अच्छा भला मस्त नाश्ता करने के बाद अब हमने यहाँ पे एक टैक्सी कर ली है। यहाँ पे एक दुकान थी टैक्स की, तो वो अपनी प्राइवेट कार में हमको लेके जा रहे हैं। यहाँ दो मोनेस्ट्रीज हैं, खारलांग और शशुर, तो हम खारदांग मोनेस्ट्री जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, शाम वाली बस हमें वापस पकड़नी है, तो देखते हैं। चलिए बात करी कि लोकल से कि हमें जाना है खारदांग मोनेस्ट्री, तो इत्तेफाकन हमें ये अमरनाथ जी मिल गए और इन्होंने बहुत हमारी हेल्प करी और अच्छे से हम लोगों को खारदांग गांव ले आए। और इतना ऑफ रोड अप्रोचिंग है यहाँ की, देख सकते हैं अप्रोच रोड बिल्कुल काफी सकड़ी है और बहुत ज्यादा बनी भी नहीं है, पर फिर भी ग्रामीण जो हैं वो महीने में एक बार ग्रुप करके मोनेस्ट्री में पूजा अर्चना के लिए आते हैं, जिसको हम आरती बोलते हैं उसको ये संक्स बोलते हैं। और बौद्धिस्ट जो केलोंग की जनसंख्या है वो 98% बौद्धिस्ट जनसंख्या है, 2% और कोई बाहर के लोग होंगे। और यहाँ का कल्चर जो है बौद्धिज्म से इम्पेक्ट है, पूरा इम्प्रेस्ड है और इन्फ्लुएंस शब्द काट के नया लगाना पड़ेगा। केलोंग दिख रहा है आपको, ये ऑफ रोडिंग आ गई और इधर से आपको केलोंग दिखेगा। ये केलोंग का नजारा देख लीजिए एक बार आप दोस्तों। ये केलोंग से हमने जो अमरनाथ जी के साथ में इनकी इस वाली वेगनार में, ये अमरनाथ जी वेगनार को ठीक ठाक कर रहे हैं, तो इस वाली वेगनार में जो है बैठ के और हम लोग पहुंच गए हैं खारदांग मोनेस्ट्री। और अब हम मोनेस्ट्री में जाएंगे, आप एक बार नजारों का आनंद ले लीजिए, नजारे देखिए यहाँ से आपको। मतलब 5 दिन आप शिमला मनाली में बिताने के बाद अगर यहाँ पहुंचते तो आपको अफसोस होता है कि आप शिमला मनाली में क्यों थे, क्या ब्यूटी है, गजब। मोनेस्ट्री है और लगभग 23 किलोमीटर हो गया है ना केलोंग से, 23 ना, ये आ गए हैं। अब हम नीचे जाएंगे और अमरनाथ जी के साथ में जाएंगे क्योंकि ये खुद बौद्धिस्ट हैं और इनको यहाँ के ट्रेडिशन अच्छे से पता है, तो हम इनके साथ ही नीचे उतरेंगे, चलते हैं।